बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से हों। मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। ब्रेकफास्ट में आज ये चीज़ सैंडविच बनाएंगे, वेजिटेबल चीज़ सैंडविच, जिसके लिए मैंने एक आलू लिए है, उसको बॉईल करके मैश कर लिया और उसमें नमक, काली मिर्च और धनिया डाला हुआ है। उसके साथ ये एक शिमला मिर्च है, ये भी चॉप कर ली, मोज़रेला चीज़ और ये प्याज, टमाटो और चार स्लाइस हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखेंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना किया करें। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि पहले वो सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें ये सब डाल दिया है, टमाटर चॉप किए हुए, प्याज चॉप किया हुआ और शिमला मिर्च भी चॉप की हुई इसमें डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके स्लाइस के ऊपर लगाएंगे। और ये कौन डालना है? वो हम बाद में, चीज़ हम स्लाइस के ऊपर बाद में लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको स्लाइस के ऊपर लगाऊंगी। हम स्लाइस ऊपर लाने लगे। ओके, थैंक यू बेटे। पूरा डाला? नहीं, मैं डालती हूँ। डाली। मेरे बेटे को भी बहुत शौक है साथ कुकिंग करने का, इसने भी पूरी कुकिंग सीख लेनी मुझे है। भूख लग रही है। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के, और ये स्लाइस जो हम मैंने बनाया है इस, इब्राहिम आप क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर भी एक और स्लाइस रख के अब इसको सेक लेंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के टाइम को वो क्या करते हैं? इसे कवर करके हम 3 मिनट के लिए वो साइड को पकाएंगे, फिर दूसरी साइड भी 3 मिनट के लिए इसी तरह हम बनाएंगे, और साथ ही अब हम दूसरा स्लाइस को भी रेडी कर लेते हैं। मैंने साइड चेंज कर दी है, अब दूसरी साइड को भी हम 3 मिनट, 2-3 मिनट तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चेक करेंगे, दूसरी साइड भी स्लाइस की बन गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकअल्लाह खैर।